विवेक, आपके साथ शुरू करेंगे। कौन से शेयर बतौर वीआईपी आप लेके आ रहे हैं? चूंकि रिलायंस को लेके काफी पॉजिटिव हैं, तो क्या रिलायंस लेंगे या उस ग्रुप से जुड़ी कोई कंपनी का शेयर पसंद करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा मतलब क्या कि अब रिलायंस रेंज में, अब कितने दिन रेंज में रहेगा ये मालूम नहीं है, तो इसके ऊपर मेरी बाई रिकमेंडेशन नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब बाई कर सकते हो, लेकिन आज वीआईपी में नहीं है। पहला मेरा शेयर वापस रहेगा, ये मैंने कई बार बात किया हुआ पीछे पिछले समय में भी, दोनों शेयर्स आज के। मुझे एक तो जियो फाइनेंस यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है वैल्यूएशन वाइज, और जो मतलब अगर आप रिलायंस पे बुलिश हो तो आपको जियो पे भी बुलिश रहना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि ये 301 आप दिखा देगा। ये हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने में भी पॉसिबिलिटी है। अब वैल्यूएशन की काफी बार हम लोग चैनल पे बात कर चुके हैं, इसके लिए मैं वो सारा दोहराना नहीं चाहता समय की कमी के कारण, लेकिन हाँ 300 के टारगेट विवेक, के बस साथ एक चीज बताइए, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। नजरिया कितने दिनों का दे रहे हैं? लंबी अवधि का मतलब क्या आपका इसमें नजरिया है? देखिए, आपके मतलब कोऑर्डिनेटर ने पूछा था, मैं बोला कि 6 महीना लिख लो आप लंबी अवधि के लिए, आपको शॉर्ट टर्म है 6 महीना भी, लेकिन हो सकता है कि ये आपको उसके पहले आराम से 6 हफ्ते में भी मिल जाए, पॉसिबिलिटी है। वो तो आपके तो साथ हुआ है, वो आपके साथ कई बार ऐसा मैंने देखा है कि आपका टारगेट जो है 12 महीने का टारगेट जो है 1 महीने 1.5 महीने में हासिल हुआ, ऐसा मैंने कई बार देखा है। चलिए, इसमें 6 महीने के लक्ष्य के साथ इसको 6 महीने कर दिए, 6 महीने के लक्ष्य के साथ। आप बताइए। तो दूसरा स्टॉक मनीष जी, ये मैंने कई बार इनफैक्ट 560 580 के दाम पे वीआईपी में रेकमेंड किया हुआ है। जो दूसरा स्टॉक है वो है नेस्को लिमिटेड। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी रियल एस्टेट में है, आईटी पार्क्स चलाती है, एग्जीबिशन बिजनेस में है, मतलब हॉस्पिटैलिटी में है, और ये 580 से लेके अभी तक आके आपको मतलब आज 725 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि 800 इसका बैर मिनिमम टारगेट होना चाहिए, और ये अगर होना हो तो मतलब कल सुबह भी हो जाए, लेकिन हाँ 800 तो एक मिनिमम टारगेट इसका होना चाहिए। एक डिस्क्लोजर दे दूं, ये जो जियो है और नेस्को है काफी मतलब हमारे सब क्लाइंट्स के पास होगा लगभग, और मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो अच्छे खासा वेस्टेड इंटरेस्ट है दोनों स्टॉक्स में। विवेक जी, मेरा एक सवाल है आपसे, ये आप दोनों कैसे कर लेते हैं? नेस्को में आपने कहा कि हो सकता है कल भी टारगेट हो जाए, मतलब आप ट्रेडिंग पैटर्न भी मतलब बता रहे कि तुम ट्रेड के हिसाब से बता रहे हैं, और एक शेयर ऐसा बता रहे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जिसमें 6 महीने में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। मनीष जी नहीं, एक्चुअली नेस्को तो मेरा मतलब मैं 580 से बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल मार्केट इग्नोर कर रहा है। कभी क्या होता है कि कुछ अच्छे कंपनीज को मार्केट ऐसे बुरी तरह इग्नोर करता है कि वो शेयर चलता नहीं है, लेकिन जब मार्केट की नजर पड़ती है ना तो वो शेयर कहीं पे भी जा सकता है। आप नेस्को पे जैसे सर्किट लिमिट 20% का है, 725 पे आप 20% लगा लो, ये तो कल 900 भी दिखा सकता है अगर मतलब मार्केट चाहे तो। अब वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन 800 में भी वैल्यूएशन सस्ता रहेगा, और आप अगर पिछले क्वार्टर का भी रिजल्ट देखो तो सब फ्रंट्स पे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और जहां पे मुंबई में इनके रियल एस्टेट मतलब जहां पे है उसके बाजू में मेट्रो बन रहा है, रियल एस्टेट ओवरऑल सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो मतलब मार्केट एकदम इसको नजरदान मतलब इग्नोर करके रखा है, और कभी भी ये जब चलेगा ये आपको 800 तो मेरा बैर मिनिमम टारगेट है, उसके ऊपर काफी दिखा सकता है, तो इसको इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो, और अपना तकदीर चले तो हो सकता है कि अच्छा खासा टारगेट शॉर्ट टर्म में भी मिल जाए। 700 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने से, लेकिन 705 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लिखाइएगा ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से उन्होंने बताया, ट्रेडिंग के लिहाज से। और जियो फाइनेंशियल उसको मजबूत लगता है विवेक को, अगले 6 महीने के लिहाज से 300 तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं।